Zoom, discoteco. Zoom, discoteco. 16th August 1970 को born Saif is the number 7 in numerology and his destiny number adds up to number 5. He is also ruled by number 2. Number 2 and number 7 go very well together. 2 और 7 के साथ Kareena का हाथ. वाह क्या बात है. Currently Saif is dating Kareena Kapoor who's almost 10 years younger to him. Kareena's ruling number is number 3. Number वंबर तो ठीक है पर ये पंजाबी कुड़ी कहीं आप पर भी हुकूमत चलाने लगी तो नवाब साहब क्या कीजिएगा. Being the number 7, Saif is emotional and moody. But at the same time, he's very loving and caring. Senti type ke to hai Saifu, dikhti baat hai boss. And loving and caring bhi. Teen teen baar loving and caring kar chuke hain. Teesra mission jari hai. Ab yahi permanent ho jaye to acha hai. Just like Kareena, Saif bhi apne decisions mein dil ka zyada istemal karte hain. He's at times impulsive due to which he may rub people the wrong way and get into trouble. Bas, aise mein agar Shah Rukh Khan saath mein khade ho to award functions ho ya kuch aur, sab ki taang khicho, koi baal bhi baaka nahi kar paega. In his film Qurbaan, where he's paired with Kareena Kapoor, there are chances that Kareena may walk away with all the credit. Film ke numbers zyada favorable nahi hai. इसलिए बिजनेस एवरेज ही रहेगा. नहीं जी, हम सहमत नहीं हैं. आधी दुनिया तो इन दोनों लव बर्ड्स को स्क्रीन पर देखने जाएंगे. फिल्म तो पहले से ही हिट है. मेरे हिसाब से करीना और सैफ की शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. But they will remain friends forever. शुभ शुभ बोलो भाविक जी. करोड़ों लोग इस न्यूज का वेट कर रहे हैं कि कब करीना नवाब साहब की बेगम बनेगी. शादी के लिए 2009 is good year for marriage. पर करीना के लिए ये साल शादी के हिसाब से सूटेबल नहीं है. यू मीन टू से कि सैफ इस साल शादी करें और करीना अगले साल. बोले तो अगर दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है तो ये कैसे पॉसिबल है. हाँ बोलो बोलो टेल. नंबर 3 और नंबर 7 का कॉम्बिनेशन शादी के लिए फेवरेबल नहीं है. काफी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे उन दोनों के बीच में. बट स्टिल इफ दे वांट टू मैरी देन 2010 कैन बी लिटिल बिट मोर फेवरेबल. ठंड बह गई. आपने तो डिप्रेस ही कर दिया था. चलो एक साल और सही. हेल्थ वाइज डिप्रेशन और लोनलीनेस सेफ को परेशान कर रहे हैं. साथ में बैक पेन और हार्ट प्रॉब्लम्स का भी रिस्क है. यानी उछल कूद वाले रोल्स कम कीजिए सैफू मियां. 2009 सैफ का लकी ईयर है और 2010 अगस्त के बाद उनके दिन फिर अच्छे हो जाएंगे. टिल अगस्त 2010 ही में फेस बैड लक. 2011 में नॉट बी वेरी लकी फॉर हिम ईदर. बोले तो सैफ मियां जब तक चांदनी है मजे करते रहो. अंधेरी रात आने में अभी टाइम है. तो जनाब अली ये थी दास्तान सैफ अली खान. सितारों की जबानी. ऑल एंड ऑल सितारे उनके फेवर में ही चल रहे हैं. करियर वाइज अच्छे दिन है. रिलेशनशिप वाइज मामला बस सो सो है. बट यू नेवर नो कब सितारे मेहरबान भी हो जाए. यानी करीना से उनकी शादी एज ऑफ नाउ तो डाइसी लग रही है पर जोड़ी अच्छी है इसलिए हो सकता है कि उनके फैंस की गुड विशेस सितारों को उनके फेवर में कर दे. सितारे सब राज जानते हैं और हमें बताएंगे ब्रेक के बाद.